चांद का दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज के किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है।